माननीय सभापति डॉक्टर भिक्खू संधामणि माथेरो जी पूज्य भिक्षु संघ दम्बंधु, केसरिया बौद्ध स्तूप कुशीनगर से गोपालगंज जाते हुए वैशाली के रास्ते पर पूर्वी चंपारण में पड़ता है। कितने ऐसे साथी हैं जो केसरिया बौद्ध स्तूप जिन्होंने देखा है, जरा हाथ उठाएंगे। केसरिया बौद्ध स्तूप, चलिए साधुवाद। केसरिया बौद्ध स्तूप बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत भगवान बुद्ध जब कुशीनारा की ओर चल रहे थे तो रास्ते में ये केसरिया बौद्ध स्तूप, जहाँ आज है विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, भगवान बुद्ध ने अपना जो दान पात्र है, जैसा कि इतिहास में है, लिच्छवियों को दे सौंपते हुए वो कुशीनारा की ओर चढ़े थे। पावा में वो जरूर रुके, भोजन किया, और वो जैसा कि लिखा है कि वो भोजन दूषित था या जो भी था, बीमार पड़ गए और लूज मोशन की बीमारी से बाद में कुशीनारा में देहांत हो गया। तो ये जो लिच्छवियों को दान पात्र दिया, वहाँ रुके, तो उसी को लेकर के आज वहाँ बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप अशोककालीन समय का बना, और आज भारत सरकार का पुरातत्व विभाग जो है उसकी देख रेख के लिए नियुक्त किया गया। काफ़ी बड़ा एरिया जो है उसका बाउंड्री करके कर दी गई। हमने जब वहाँ 2015-16 में सर्वे किया और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को लिखा तो करीब 45-46 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया, और वहाँ पर हमारे आने जाने वाले बहुत तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने के लिए गेस्ट हाउस रुकने की व्यवस्था के लिए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो गया, लेटरिन बाथरूम बनाए गए और वो अभी चालू हो गए हैं। और अभी जितना मैंने उसमें लिखा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सामने का जो ग्राउंड है पानी भर जाता है उसको भर दिया जाए, वैशाली की तरह ग्रीन पार्क बना दिया जाए, उसके साथ में एक माता मंदिर बनाकर बिल्कुल जड़ में कब्जा कर लिया गया है, जो भारतीय पुरातत्व कानून का नियम है कि 200 मीटर के दायरे में से दूर पर भी नहीं बन सकता। बनते ज्ञानेश्वर की यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया तोड़ने का, जबकि वो 200 मीटर से दूर है, लेकिन वो तो मंदिर बिल्कुल उसकी जड़ में कब्जा कर दिया गया है और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने करवा दिया। मैंने FIR के लिखा, मेरा पटना में मैं तो पटना के अंडर आता है, उसका सर्किल ऑफिसर पटना में बैठता है, मेरा पटना के सर्किल ऑफिसर से काफ़ी जिद्दोजहद हुआ, RTI डाला, बहुत मोटा RTI में जवाब आया है कि इतना करोड़ हमने लगा दिया, इतना सिक्योरिटी है और ऐसा है वैसा है, वो पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, तो वो पढ़ के सुनाएंगे तो घंटों लगेगा। खैर अभी भी मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, और अभी एडवोकेट शशि शेखर जी से मेरी बात हुई थी, बहुत सीनियर एडवोकेट थे बार काउंसिल के, वो अध्यक्ष भी थे, लेकिन कोरोना में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा था मैं केसरिया स्तूप को लेकर पटना हाई कोर्ट में आपकी तरफ से मुकदमा फ्री में लड़ूंगा, आप अच्छा काम करते हैं और मेरी भी आपके साथ काफ़ी अच्छा भाईचारा है तो मैं करूंगा, लेकिन अब कोरोना में उनकी डेथ हो गई तो मामला अभी फिलहाल पेंडिंग है। यदि आप लोग इस ऐतिहासिक विश्व के सबसे ऊँचे बौद्ध स्तूप की सुरक्षा के लिए सहयोग और समर्थन देंगे तो हम अपने और दूसरे एडवोकेट्स को हायर करेंगे, बंदे जी को भी हम ले जाएंगे और पटना हाई कोर्ट में हम उसको लेकर एक PIL डालेंगे कि जो भी डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, जो भी वहाँ व्यवस्था गड़बड़ है उसको ठीक करे। केसरिया मेला लगता है, करोड़ों रुपया बिहार सरकार खर्च करती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत के वहाँ लोग आते हैं केसरिया महोत्सव में, तो ये सब होता रहता है। तो हमारी आप जो आज की इस धम्म संसद में जो विषय हम लाए हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप की सुरक्षा संरक्षण,
के लिए सबसे बड़ा जो मैंने उस पर लिखा है कि उस गोलाकार स्तूप के ऊपर स्टील का चादर बना करके फैब्रिकेट कर दिया जाए, जैसे रेलवे कपड़े फार्म होता है वैसे लोहे का पूरा फ्रेम बना करके स्टील का उसके ऊपर चादर लगा दिया जाए। क्योंकि किसी भी पुरातत्व कानून में है कि बारिश जब होती है तो उसका पानी उसके अंदर जाता है, और जब धूप पड़ती है गर्मी होती है तो वो गलता है। तो गर्मी और पानी से कोई भी पुरातत्व चीज़ें ईंटें हों चाहे दीवार हो नष्ट होती है, चीड़ होती है, तो उसके अंदर कमजोरी पैदा होती है। तो मैंने बारिश और धूप से बचाने के लिए उसको गोलाकार जो है पूरा कवर करने करके उसकी सुरक्षा की मांग की है, और वो गटर एक्शन अगर हाई कोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जैसा कि वैशाली में भी आपने देखा है, वहाँ पर जो बीच में जो है वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कवर किया है। वैशाली जो लोग गए देखे होंगे, बीच में जो वो है उस पर कवर कर दिया है पूरा। उसी तरह से हमने उसकी बात रखी है। तो वो अब खर्चीला है काम, कोर्ट में जाएंगे हमें भी कुछ खर्चा देना पड़ेगा, सोशल एडवोकेट है तो उसका भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। 1,00,000 रुपये अगर हाई कोर्ट में लगता है तो 25,000 तो कम से कम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, और जाने आने में खर्च होगा बंदे जी को, हमको जो भी जाएंगे। तो साथियों की तरफ से अगर सहयोग रहेगा तो ये सारे काम धीरे 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 सब होते चले जाएंगे। क्यों हो रहे हैं, क्यों होते चले जाएंगे, क्योंकि हम और आप आँखों को खुला रखेंगे, कलम को जारी रखेंगे, दिमाग को सही रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, सब काम होंगे। अभी तक 74 सालों में मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं है, केवल गाड़ी की मौज मस्ती करने के लिए बुद्ध गया पूरा घूम लिया, फिर उधर चले गए राजगीर नालंदा घूमते हुए, कुछ कुल्फी खाया, कुछ समोसा खाया, कुछ खाया और बहुत अच्छा लगा, फोटो खिंचवाया और जाके सोशल मीडिया में डाल दिया। यहाँ तक उनका 1.5 साल हो गया मिशन पूरा। हम ये कहते हैं मिशन नहीं है, ये ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताने का कल्चर है। आप अगर देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है राजगीर में, तो उस पुलिस वाले की बदतमीजी के खिलाफ आपकी कलम चलनी चाहिए, ये है काम। अगर वहाँ हमारी महिला के लिए बाथरूम नहीं है तो आपकी कलम चलनी चाहिए कि हमारे महिला पर्यटकों के लिए बाथरूम नहीं है, तब आपके हम समझें कि आप काम करना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को, हमारे लोगों का जो सोचने का काम करने का है, सबकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मोहर लगा दी, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्र की सभा, और काम उनका गली की सभा का नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सभा बनाने से इंटरनेशनल बौद्ध महासभा बना लो क्या फर्क पड़ता है, बन जाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मन खुश कर लो। जैसे राजनीति करने के लिए लोग MLA के इलेक्शन लड़ते हैं, 50 वोट मिल गए तो लिख देंगे पूर्व प्रत्याशी लोकसभा गया, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा गया, लिख लो क्या फर्क पड़ता है। मन को खुश करने के लिए पूर्व प्रत्याशी बन जाओ चाहे वर्तमान MP बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अपने मन को शांति के लिए कुछ भी कर लो, चाहे आप 1,00,000 रुपये खर्च कर लो चाहे 20,00,000 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अपनी अपनी मर्जी। लेकिन हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हमारा सोचना है प्रैक्टिकल में विश्वास। हम आप लोग जीवन में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मैरिज कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, अच्छी कोठी बंगला बना लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का फ्यूचर होता है। सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख के नाम करेगा, कोठी बंगला बन गया, वो IAS बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ हो गया, और इसके बाद एक दिन पर निर्माण हो गया। लेकिन इससे हटकर के काम होता है, जो इससे हटकर होता है वो पीढ़ी के लिए फ्यूचर के लिए मजबूती प्रदान करता है। उसी में एक डॉक्टर अम्बेडकर थे, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर, उसी में कबीर साहब थे, उसी में गुरु नानक थे, उसी में तथागत बुद्ध थे, उसी में हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर भिक्खु संदामुनि महाथेरा जी हैं। ये अपने लिए सब बना रहे हैं क्या, ये तमाम भिक्षुओं को पढ़ा रहे हैं, आगे वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या आ गए यहाँ 4 दिन, हमको बुला लिया, खाना पीना खिलाया, चलो घूमेंगे, और जाके अगले 5वें दिन जाके अपने अपने ज़िले में पहुँच जाएंगे, भूल जाएंगे, खत्म बात होगी छुट्टी, यही हो रहा है। तो मैं इसलिए नहीं यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये बात दिल्ली में भी कहता हूँ, कई संगठनों से बोलता हूँ, क्या आपने UP बिहार और जबलपुर और मुरैना और भिंड और इधर गया से बुला लिया लोगों को, 500-500 रुपये उनको दे दिया और खाना खिला दिया और आने जाने का टिकट दिया, 500 रुपये दे दिया, अपने घर चले गए। उसके बाद आपने 2-4 MP बुला लिया, DE राजा को बुला लिया, एक कांग्रेस को, एक राहुल गांधी को बुला लिया,
और जब वो चले गए तो मैंने उन संगठनों के चेयरमैन से पूछा इसका रिजल्ट क्या निकला। बोले क्या निकला, सभी तो बुलाते हैं, सब लोग एमपी को बुलाते हैं, भाषण कराते हैं, टीवी पर आ जाता है, थोड़ा बहुत खबर छप जाती इतनी थी, और कहते हो गया मिशन पूरा। मैंने कहा 74 सालों में यही हो रहा है, हमारा ऐसा नहीं है। अगर इस मीटिंग में 1 लाख खर्च होगा तो मुझे 10 लाख का रिजल्ट चाहिए। ये अभय रतनबोध की आवाज़ बोल रही है, अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं काम बंद कर दूंगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा बंते जी और बैंकर सर, तो मैं काम बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर 1 लाख खर्च करके 10 लाख का काम कर वो मैं उपलब्धि चाहता हूँ। और यही मेरा पिछले 5 साल का मेरा अपना डिजाइन है कि मैं चुनौती देता हूँ उन तमाम बहुत संगठनों को जो गया से लेकर नई दिल्ली से लेकर नागपुर तक काम करते हैं और रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ उन सामाजिक संगठनों को भी कि लोग कहते हैं, एक मिनट बोल रहा हूँ, कि हमने हमने बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान दो गया, काशीराम जी खत्म हो गए। अरे दूसरा काशीराम पैदा नहीं कर पाए तुम, दूसरा काशीराम नहीं पैदा कर पाए, क्या तुम राजनीतिक सत्ता हासिल करोगे। मैं चाहता हूँ बौद्धों की सत्ता बने, बौद्ध धर्म बस समझ कंसेप्ट हूँ, बौद्ध धर्म में बनते। सद्धा मुनि जी मुझे कहेंगे कि हम बैंकर सर को वोट दे दो, इस देश में बौद्ध राष्ट्र बन जाए तो अच्छी बात है। मैंने दिल्ली में भाषण दिया था कि मुझे बुद्धा रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा चाहिए। अगर भारत सरकार इस देश के SC ST OBC बौद्धों को उनकी सुविधाएं नहीं देगी तो रिपब्लिक का कंट्री या बुद्धा की मैंने मांग की थी, रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा। उना पैक्ट के मुताबिक भारत सरकार इस देश के OBC ST को अधिकार नहीं देना चाहती तो कंट्री बांट दो, रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा। मुझे अपना बौद्ध देश चाहिए क्योंकि लैंड हमारी है, देश हमारा है। बाबा साहब ने उस समय जमीन को नहीं बंटने दिया, पाकिस्तान का बंटवारा बाबा साहब चाहते तो अपना अम्बेडकरवादी देश बांट सकते थे। तो लेकिन अभी हम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहते, लेकिन समय आएगा, समय आएगा, अगर बौद्धों के साथ भेदभाव होगा तो मुझे रिपब्लिक ऑफ कंट्री या बुद्धा की मांग रखनी होगी और आप लोगों का समर्थन जुटाऊंगा। अभी मुझे कंट्री की बात नहीं करनी है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप लोग अपना समय और पैसा दे रहे हैं, इस 10 गुना बेनिफिट हम देंगे, उसका रिजल्ट देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो काम बंद कर देंगे। समझ रहे हैं आप डॉक्टर कल्याण सिंह जी, अगर आप हमको सहयोग दे रहे हैं और आपको उस पैसे का फायदा हम नहीं दे पाए तो हम छोड़ देंगे इस काम को करना।